हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सीलरेटर सीरीज में। और एक नई प्रॉब्लम हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बच्चों, जो आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। ये प्रॉब्लम हमारी वेक्टर से रिलेटेड है और वेक्टर में जो भी बेसिक चीजें हैं वो हमने सभी बातें कर ली हैं। अब वेक्टर के एप्लीकेशंस की हम बात करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ओके, चलिए प्रॉब्लम क्या है आपके सामने जरा देखिए। इफ A vector, B vector and C vector be three vector such that A plus B plus C is equal to 0, mod A, mod B and mod C, ये सब आप लोगों को given दिया है। आपको बताना है कि A और B के बीच का angle कितना रहने वाला है। देखो बच्चों, ऐसी problem को हम solve करते कैसे हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, condition मेरे पास में ये है, A vector प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। आपसे ए और बी के बीच में एंगल पूछा है, ए और बी के बीच में एंगल आप लोगों से पूछा गया है बच्चों। अब देखो, ए और बी के बीच में एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो करेंगे कैसे। सबसे पहले हम सी को ले जाते हैं इक्वल टू से उधर, तो ये बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के सी वेक्टर। हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जिन दो ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो जिन दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है वो आपको लेफ्ट साइड में रखने हैं और जो एक्स्ट्रा है उन्हें राइट साइड में ले जाओ। हमें ए और बी के बीच में एंगल बताना है तो हमने ए और बी को लेफ्ट में रखा और सी को हम इक्वल टू से उधर ले गए। समझ आ रही है बात। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं बच्चों, मॉड। तो ये बन जाएगा मॉड A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू मॉड माइनस के C वेक्टर। हमने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों तरफ मॉड ले लिया है स्टूडेंट। अब आप देखिए, वेक्टर का एक बहुत बेसिक सा नियम है कि भाई ये जो मॉड में लिखा हुआ है ना, मॉड A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इसे आप लोग ये लिख सकते हैं। अभी एक दो दिन पहले कॉन्सेप्ट हमने आपको इसके ऊपर बताया भी था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये ए और बी के बीच का रिजल्टेंट है और जो थीटा है वो ए और बी के बीच का एंगल है। मॉड माइनस सी को आप लोग लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सी, ठीक है। चलिए देखिए क्या वैल्यू बनेगी, अंडर रूट हटाएंगे तो उधर लग जाएगा स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास में कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। देखो भाई कैसे बनाया हम लोगों ने, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, अंडर रूट हटाया, इधर स्क्वायर लग चुका है, इन दोनों को इक्वल टू से उधर लेकर गए और टू ए बी को इसके अपॉन में लेकर गए। अब पूरी वैल्यूज आपके पास में मौजूद हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है बच्चों। कॉस थीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, सेवन, सेवन का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 49 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, थ्री, थ्री स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस बी की वैल्यू 5 है, स्क्वायर करेंगे तो 25 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5। अब देखिए सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, भाई सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 15 और ये बनेगा 30 और डिवाइड करके बनेगा 1/2 और कॉस के अंदर 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री, सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। ये आंसर बच्चों हमारा बनने वाला है कि ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम की शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं बच्चों। ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, सी को इक्वल टू से उधर लेकर गए, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, हमने दोनों का रिजल्टेंट ले लिया है। रिजल्टेंट को हम ये लिख सकते हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी हम आपको बता चुके हैं, मॉड माइनस सी को हम लोगों ने लिखा सी, कैलकुलेट किया, देन प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। ऐसे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों। सो स्टूडेंट, वेक्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इस क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाते हैं। कल हम लोग वेक्टर के एप्लीकेशंस की बात करना स्टार्ट करेंगे और वेक्टर के एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।